जय श्री कृष्णा। आज हम रुक्मी की पुत्री का प्रद्युमन से व रुक्मी की पौत्री से प्रद्युमन पुत्र अनिरुद्ध का विवाह तथा रुक्मी का वध, इसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। वैशंपायन जी ने बताया, हे जन्मेजय, दीर्घ काल बीत जाने पर रिपुदमन प्राकर्मी वीर रुक्मी ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया। रुक्मी के निमंत्रण पर दूर निकट दिशा विदिशा के अनेक राजा और राजकुमार आ पहुँचे। इनमें भी श्री कृष्ण जी का बेटा प्रद्युमन भी था। उनकी कन्या उसे चाहती थी और प्रद्युमन भी उस कन्या शुभांगी पर आसक्त था। अतः परिणाम स्वरूप स्वयंवर के अवसर पर शुभांगी ने प्रद्युमन को वरमाला पहना दी और श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युमन इस विदर्भ राजकुमारी को संग लेकर अपने नगर द्वारिका में लौट आए। दोनों पति पत्नी इस प्रकार रहने बसने लगे जैसे नल दमयंती कालांतर में विदर्भ कन्या शुभांगी ने देव कुमार के समान एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अनिरुद्ध रखा गया। समय के साथ साथ वह वेद, धनुर्वेद तथा नीति शास्त्र का पारंगत विद्वान हुआ। यौवनावस्था में आते ही रुक्मिणी ने उसकी पत्नी हेतु अपने भाई के हां से रूपमती पौत्री, जो स्वर्ण के समान गौर वर्णी थी, उसका हाथ मांग लिया। उसका नाम था रुक्मवती। रुक्मी पहले से ही अनिरुद्ध के गुणों से प्रभावित था, अतः बहन रुक्मिणी के कहने पर तुरंत हां कर दी। रुक्मी ने श्री कृष्ण जी से स्पर्धा रहते हुए भी अपने मन से वैर भाव त्याग दिया। प्रसन्न मन से कह दिया कि मैं अपनी पौत्री अनिरुद्ध के लिए दे रहा हूं। तब श्री बलराम जी व श्री कृष्ण अपने पुत्रों व वृषण वंशियों को साथ देकर विदर्भ पहुंच गए। रुक्मिणे के भी भाई बांधव आ गए। शुभ दिन दिनांक का चयन कर विवाह कार्य संपन्न हो गया। बारात की खूब आवभगत की गई। इसी अवसर पर बहुत से राजाओं में से अधिक तो शादी उत्सव के पश्चात लौट गए, लेकिन कुछ तो रुक्मी के विशेष अतिथि थे, रुक गए। इनमें निरपराज वेणुधार, श्रुतवा, अक्ष, चानुर, क्रुधव पुत्र अंशुमान, कलिंग का जय सेन, राजा पांड्या आदि रुक्मी के विशेष पक्षधर थे। इन सब ने एक मत होकर रुक्मी से कहा, हे राजन, आप द्युत क्रीड़ा के निपुण खिलाड़ी हैं। दूसरी ओर बलराम जी भी जुआ खेलने के शौकीन हैं, लेकिन वह प्रावीण नहीं है। अतः हम सब मित्र राजागण बलराम को आपके समक्ष परास्त होता हुआ देखना चाहते हैं। सुकृपया आप द्युत क्रीड़ा के लिए अपना समर्थन दीजिए, हम उसे भी मना कर लाते हैं। रुक्मी जी मान गए। सभी राजागण अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सभा भवन भर गया। बलराम जी को भी सभा स्थल पर बुलवाकर द्युत क्रीड़ा हेतु उकसाया गया। वह भी जुआ खेलना स्वीकार करते हुए आसन पर बैठ गए। कलह की जड़, अच्छे अच्छे का सर्वनाश करने वाला, बुद्धि भ्रष्ट करने वाला जुआ आरंभ हो गया। पहले रुक्मी और बलराम दोनों में ही युद्ध शुरू हो गया। बार बार रुक्मी की विजय होती देख बलराम जी स्वयं में हीन भावना का शिकार हो गए। कुछ खीज, कुछ क्रोध उत्पन्न होने लगे। उधर रुक्मी ने भी व्यंग्य बाण छोड़ा। आज द्युत में मूर्ख व दुर्बल व्यक्ति ने आदित्य और अजय बलराम को परास्त कर अगणित स्वर्ण मुद्राएं जीत ली। इस प्रकार कलिंग नरेश ठठा कर हंसे। इन निम्न बातों से बलराम जी का क्रोध बीचों बीच बढ़ने लगा, परंतु फिर भी ऐंठ में आकर मन को संयम में रखते करते 10,000 करोड़ मुद्राओं का दांव खेल गए और रुक्मी को पांसा फेंकने के लिए ललकारा। वास्तव में तो रुक्मी की हार हो ही गई थी, परंतु संख्यावाचक अंकों में कुटिलता दिखाकर स्वयं को विजयी घोषित कर लिया। बलराम जी कुपित क्रोधित हो उठे, लेकिन सभी उपस्थित राजाओं ने एकमत से रुक्मी का समर्थन किया। ऐसा तो पहले ही ये लोग निश्चित किए बैठे थे। बलराम जी मुख मुद्रा होकर बैठे रहे। तभी आकाशवाणी हुई कि इस बार बलराम जी की विजय हुई है। यद्यपि वे चुप बैठे हैं, जीत हुई जानकर भी हताश है, लेकिन चूंकि जीत नहीं की हुई है, अतः सभी स्वर्ण मुद्राओं पर बलराम जी का अधिकार है। कितना घोर अन्याय है कि यहाँ पर उपस्थित राजा लोग जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। बलराम जी आग बबूला हो गए। भयंकर क्रोध प्रकट करते हुए स्वर्णमय व भारी अष्टपाद को उठाकर दुष्ट रुक्मी के सिर पर दे मारा।
कलिंगराज, यवतसेन जो पास बैठे थे, उनके दांतों पर चोट लगने से दांत टूट गिरे और फिर बलराम जी ने तलवार उठाकर खींचकर सबको भयभीत कर दिया। शिविर में लौटकर सारा वृतांत श्री कृष्ण जी को सुनाया। महातेजस्वी श्री कृष्ण तत्काल कुछ ना बोले, किसी भी प्रकार मन पर संयम करते हुए गंभीर तो हो ही गए, आंखों में आंसू भर आए। श्री कृष्ण ने पहले ही रुक्मिणी संबंधों को जानकर नहीं मारा था, लेकिन आह, वज्रधारी इंद्र के समान बलवान राजा रुक्मी बलराम जी के हाथों से छूटे अष्टपाद से मारा गया था। रुक्मी के वध से वृक्षणियों एवं अंधकों को भी कष्ट हुआ। रुक्मिणी आर्तनाद करने लगी। श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को शांत किया, बार बार ढाढ़स बंधाकर सांत्वना दी। अंततः वृषणी वंश भी वहां से सब प्रकार का धन देख लेकर बलराम जी व श्री कृष्ण जी के आश्रय में द्वारिकापुरी को लौट आए। आइए अब हम रैवतक पर्वत पर पारिजात पुष्प से रुक्मिणी का सम्मान और सत्यभामा का ईर्ष्या से कोप भवन में जाना उसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। जन्मेजय ने कहा कि मुनिश्रेष्ठ मथुरा में अवतार धारण कर श्री कृष्ण ने जो बाल लीलाएं की उन्हें सुनते सुनते भी मन तृप्त नहीं हुआ है, अतः द्वारिका में निवास करके सप्तीक हो जाने पर भी श्री कृष्ण जी ने जो षडगुण संपन्न चरित्र किए हैं कृपया उन्हें भी बताएं। आपको तो श्री कृष्ण की भी सभी लीलाएं विदित हैं। इतने पर वैशंपाय जी ने कहा, सुनो भरतनंदन जनमेजय, रुक्मिणी का प्राण पानी ग्रहण हो जाने पर भी श्री कृष्ण की चरित्र लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। जैसे कि एक बार श्री कृष्ण महारानी रुक्मिणी संग रैवतक पर्वत पर गए। रुक्मिणी ने अपने व्रत उपवासों की श्रृंखला का उद्यापन करना था, अतः समाप्ति पर श्री कृष्ण ने स्वयं सहायता करते हुए ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा द्वारा तृप्त किया। इस अनुष्ठान हेतु श्री कृष्ण जी ने नारद जी से परामर्श करके अपने भाई बांधवों पुत्रों व 8 रानियों और 16,000 रानियों को पहले ही बुलवा लिया था। ब्राह्मणों के पश्चात समस्त भाई बांधवों बच्चों रानियों को भी भोजन द्वारा तृप्त कर दिया। एक बार सपरिवार रहते हुए भी परम तेजस्वी श्री कृष्ण अपनी पटरानी भीष्मक कुमारी रुक्मिणी के साथ बैठे थे कि महामुनि नारद आ विराजे। उन्होंने श्री कृष्ण जी के हाथों में पारिजात का मनोहर फूल रख दिया, जिसे श्री कृष्ण जी ने संग बैठी रुक्मिणी को दे दिया। रुक्मिणी ने पार मारे प्रसन्नता के उस अद्भुत फूल को एकाएक अपने बालों के जुड़े में सजा लिया। अब रुक्मिणी की शोभा को 4 चांद लग गए। नारद जी ने भी रुक्मिणी से कहा, बड़भागी, यह पुष्प आपके ही योग्य है। आपके संपर्क से इसकी रमणीयता अति सुंदर हो गई है। हे देवी पतिव्रते, यह पुष्प कभी न मुरझाने वाला है। इसकी सुगंधी पूरा वर्ष फर भर ताजा बनी रहेगी। यह पुष्प आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करने वाला है। यह पुष्प प्राय शीतलता व सौभाग्य देने वाला है। यह पुष्प रात्रि में दीपक के समान प्रकाशमान होता है। देवताओं के समान भी ही आपको भी इसके धारण करने से भूख प्यास अथवा वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होगी। यह पुष्प सदा सौभाग्य देने वाला है। आप इसे धारण करके स्वच्छंद एवं आनंद पूर्वक रहेंगी। हे सुभगे, ऐसा अनुभव होता है कि आप ही श्री कृष्ण जी की प्राण प्रिय हैं। तभी तो श्री कृष्ण जी ने तीनों लोकों का रत्न स्वरूप यह पुष्प तुम्हें भेंट किया है। यह पुष्प किसी अन्य रानी को नहीं दिया गया, अतः तुमने इसे प्राप्त करके आज प्राणों से भी उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त कर ली है। नारद जी द्वारा मात्र रुक्मिणी की प्रशंसा को सुनकर सत्यभामा पत्नी की परिचारिकाएं दासियों जो भी वह उपस्थित थी अंतःपुर को लौटकर अपनी स्वामिनी से महामुनि नारद रुक्मिणी संवाद दोहराने लगी। सभी रानियों ने रुक्मिणी के अत्यंत गुणयुक्त होने की चर्चा कर प्रसन्नता व्यक्त कर दी, लेकिन रूप और यौवन से युक्त रानी सत्यभामा को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह भी स्वयं में श्री कृष्ण की सर्वप्रिय रानी होने का गर्व अनुभव करती थी। वह सोत के भाग्योदय का समाचार पाकर ईशा के वशीभूत हो गई। सत्यभामा ने अपने रंगीन वस्त्र उतार फेंके, आभूषण हटा दिए, श्वेत वस्त्र धारण कर कोप भवन से लेट गई। गंभीर क्रोध प्रकट करते हुए केश फैलाकर माथे पर भी श्वेत वस्त्र बांध लिया। उसके ऊपर लाल चंदन का लेप करके विरोध प्रकट करने लगी।